इसके बाद हमें दूसरी चीज क्या देखनी है, क्रिएट ऑर्डर समरी मेथड। ठीक है, तो अब हमें एक और मेथड बनाना है। अभी तक जब हम ऑर्डर पे क्लिक कर रहे थे तो हमारा क्या क्लिक हो रहा था, सिंपली हमारे एक वो आ जा रहा था कि सिंपली क्वांटिटी और प्राइस आ जा रहा था, लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि पूरी समरी आए। एक ऑर्डर समरी जब आप ऑर्डर करते हो तो पूरी ऑर्डर समरी आती है ना, तो ऐसी हमें भी चाहिए कि वो थोड़ा एडवांस रहे, राइट। तो वो एडवांस रहने के लिए क्या करेंगे, हम एक क्रिएट ऑर्डर समरी क्लिक बनाएंगे मेथड, कि जैसे ही हम ऑर्डर पे क्लिक करें तो वो एक पूरी समरी क्रिएट कर दे, राइट। किस चीज़ की समरी, जिसमें पहले आए नाम, फिर कितने कप ऑफ कॉफ़ी हमने ऑर्डर करी है, उनका प्राइस, और फिर क्या है थैंक यू, राइट। तो सबसे पहले इस चीज़ को करने के लिए क्या क्या करना है, मेथड करेंगे, मेन एक्टिविटी में ऐड करेंगे, उसमें क्या करेंगे, नेम में क्या कर लिखना है हमें मेथड के, क्रिएट ऑर्डर समरी, क्योंकि ये हमने मेथड का नेम क्यों लिया, क्योंकि हमें ऑर्डर समरी बनानी है, तो इसलिए क्रिएट ऑर्डर समरी हमने लिख लिया है। टेक्स इन प्राइस एंड एंड प्राइस ऑफ अ ऑर्डर, क्या लेगा, प्राइस लेगा, रिटर्न क्या करेगा, ये मैसेज करेगा। अब आप ध्यान दे सकते हो इसमें क्या लिखा है मैंने, रिटर्न करेगा, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, रिटर्न वैल्यू यूज करेंगे, ये सारी वैल्यूज, ये ऑर्डर समरी रिटर्न करने के लिए। फिर क्या है सेकेंड स्टेप, क्या है कॉल क्रिएट ऑर्डर समरी फ्रॉम सबमिट ऑर्डर, तो हमें ये कहाँ लिखना है, क्रिएट ऑर्डर समरी सबमिट ऑर्डर में, और फिर उस पर दिखाना है, तो सबमिट ऑर्डर में ही हमारे सारे काम होंगे, बट सिंपली हम इसे अभी आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम आ गए हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो सबसे पहले हमारा क्या था, एक कैलकुलेट प्राइस नाम का वो था हमारा, एक मेथड बनाना है, राइट। तो कैलकुलेट प्राइस का मैं कहाँ बना लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ सबमिट ऑर्डर के नीचे, राइट। तो ये कौन सा प्राइवेट नाम का रख लेते हैं, क्योंकि ये हमें ही यूज़ करना है बस। एंड इंट का क्यों रखा मैंने, क्योंकि इसमें क्या वैल्यू हो रही है, एक इंटीजर वैल्यू प्राइस की जो हमें कैलकुलेट करनी है वो हो जाएगी, राइट। तो मैंने इसे यहाँ पे ये बना लिया कैलकुलेट प्राइस नाम का एक मेथड। इसमें मैंने क्या दे दिया, एंड प्राइस एक वेरिएबल बना दिया, और प्राइस के अंदर क्या कर दिया मैंने, क्वांटिटी क्वांटिटी इंटू 5, और यहाँ पे क्या दे दिया, किस चीज़ की हमें वैल्यू सेव करवानी है, प्राइस की, राइट। प्राइस में हम क्या डाल रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ कप ऑफ कॉफ़ीज की, जैसे 3 की यहाँ पे क्वांटिटी ग्लोबल वेरिएबल था हमारा, 3 कॉफ़ी हैं, तो 3 × 5 कितनी हो गई, 15, और उस वैल्यू को क्या कर दे, रिटर्न, तो रिटर्न पे क्या करेंगे हम, प्राइस डालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्राइस और इसे सेमीकोलन। तो फिलहाल अभी हम मेथड कहीं पे यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमने अभी यहाँ प्राइस वाला जो वेरिएबल है कहीं डिक्लेयर ही नहीं करा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले उसमें एक प्राइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, एंड प्राइस, राइट। और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, सेमीकोलन। अब इस क्वांटिटी की जगह अगर मैं प्राइस ले लूँ, ओके, तो ये एरर आ गई। एरर क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है ही नहीं, राइट। इसे प्राइस को ऐसा नहीं पता कि यहाँ पे क्या आना है। तो अगर मैंने क्या कहा था, प्राइस में हम क्या कर लें, मेथड कॉल कर लें, तो मैंने क्या मेथड कॉल कर लिया, कैलकुलेट प्राइस वाला। तो अब पहले ये चेक कर लेते हैं कि इस फंक्शनैलिटी से हमारा जो पुराना जो ऐप था, जो हम पहले क्या कर रहे थे कि हमने ये करा और इससे एक वैल्यू कैलकुलेट हो गई हमारे पास प्राइस की, राइट। तो रन करके देख लेते हैं कि वो चेंजेस तो कुछ नहीं हुए हैं। तो हमारा यहाँ पे इम्यूलेटर रन हो चुका है। अब देख लेते हैं हमारी कोई फंक्शनैलिटी ब्रोक तो नहीं हुई है। तो आप जैसा देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है हमारा, राइट। सब कुछ वैसे ही वर्क कर रहा है। तो हमने बेसिकली एक पहले वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में एक मेथड बनाया, मेथड हमने उस वेरिएबल में कॉल कर लिया, प्राइस का कैलकुलेट प्राइस का एक मेथड बनाया था। तो जहाँ पे यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे थे, वो यहाँ पे कैलकुलेट प्राइस में कैलकुलेट कर लिया है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने ऐसा क्यों करा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करा, जबकि हम ऑलरेडी प्राइस तो कैलकुलेट कर रहे थे बिना कोई मेथड के। तो वो आगे अभी देखेंगे कि हमने ऐसा क्यों करा है, ठीक है। फिर अभी हमने एक और क्या बनाना था, सबमिट ऑर्डर बनाना था, हमें समरी ऑर्डर बनाना था, सॉरी सबमिट ऑर्डर नहीं, सबमिट ऑर्डर तो हमारा ऑलरेडी है। अब हमें एक बनाना है क्रिएट ऑर्डर समरी, सॉरी, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, इसको क्या कर दिया, प्राइवेट ही ले लेते हैं, और इसको ले लेंगे स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा क्या है, हमें एक समरी रिटर्न करवानी है, राइट। अब कोई एक इंडिविजुअल तो हमारी वो नहीं है वैल्यू, तो इसलिए क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं, क्रिएट ऑर्डर समरी, ओके।
और ये यहाँ पे हमने इसको दे दी। अब क्रिएट ऑर्डर समरी हमने कहाँ कॉल करनी है, हमें क्या दिखा रहे हैं, डिस्प्ले क्या दिखा रहे हैं, प्राइस मैसेज दिखा रहे हैं ना। और प्राइस मैसेज में ही हमें क्या दिख रहा है, प्राइस मैसेज जो हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है, प्राइस मैसेज में क्या कैलकुलेट हो रहा है हमारा, जो हमारी वो है, जो हमारी क्वांटिटी और थैंक यू ऑलरेडी कॉन्कैटिनेट करके हमने इसमें क्या डालना है, टोटल और थैंक यू। अब हमें ये तो नहीं चाहिए टोटल और थैंक यू, अब हमें नाम भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, टोटल भी चाहिए और थैंक यू भी चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमें ये किस में चाहिए, क्रिएट ऑर्डर समरी में। और जहाँ कहाँ क्या करना है, हमें मेथड कॉल करना है, राइट। तो मैं क्रिएट ऑर्डर समरी इसमें कॉल कर सकता हूँ, ओके। और इस क्रिएट ऑर्डर समरी, क्योंकि इसमें प्राइस हमें ऊपर से ही जो प्राइस कैलकुलेट हो रहा है ये भी इसमें देना है, तो मैंने क्या दे दिया, प्राइस दे दिया। और यहाँ पे अभी कैलकुलेट हो के क्या आ गया, प्राइस इसमें आ गया। और यहाँ पे अब यहाँ पे ऊपर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ तो क्रिएट ऑर्डर समरी मेथड में एक पैरामीटर पास करवा दिया, जबकि यहाँ पे मैंने कुछ पास नहीं करवाया, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, एक एंड नाम का पैरामीटर प्राइस नाम का दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने एंड नाम के प्राइस का एक वेरिएबल पैरामीटर दिया, यहाँ पे ये सही हो गई है हमारी एरर। अभी भी एरर क्या आ रही है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसे हम फिक्स करते हैं, अभी उसकी टेंशन नहीं लेते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है अब क्या क्या चीज़ें करनी है। हमें स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसे क्या ले लेते हैं, नाम लिख लेते हैं प्राइस मैसेज ही, राइट। तो मैंने ले लिया प्राइस मैसेज, ठीक है, स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल आ गया। और इसमें क्या, पहले सबसे पहले हमें क्या लिखना है, नेम, राइट। तो नेम खुद ही क्या है, एक स्ट्रिंग है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया जैन फरहान, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग की मेरा नाम आ गया, शो हो जाएगा वहां ऐप में, नेम जैन फरहान, राइट। ये तो नेम आ गया। इसके बाद हमें क्या दिखाना था, टोटल दिखाना था, राइट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्राइस मैसेज आ जाएगा, प्राइस मैसेज कौन सा, ये वाला। अब आप एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्कोप में चाहे प्राइस मैसेज यहाँ ऊपर और यहाँ सेम नाम है, लेकिन यहाँ का स्कोप यहाँ ख़त्म हो गया। तो जब आप किसी वेरिएबल को दोबारा क्या करते हो, डेटा टाइप से इनिशियलाइज करते हो या डिफाइन करते हैं, तो ये प्राइस मैसेज इस प्राइस मैसेज से डिफरेंट है, क्योंकि ये इसका स्कोप यहाँ से शुरू हो गया, इसी क्रिएट ऑर्डर समरी में ख़त्म हो जाएगा, जबकि इधर सबमिट ऑर्डर का जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों, इसलिए हमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वो दोनों अलग हैं। फिर मैंने प्राइस मैसेज दिया, प्राइस मैसेज में हमने क्या ऐड कर दिया, प्राइस मैसेज ही, और इसे कंकैटिनेशन कर दिया। अब हमें दूसरी को क्या चाहिए थी, क्वांटिटी। तो मैंने क्वांटिटी दिखा दी, और क्वांटिटी की वैल्यू कहाँ से दिखाओगे आप, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, तो ग्लोबल वेरिएबल ले लिया हमने क्वांटिटी, तो ये आ गया। इसके बाद हमें एक और प्राइस मैसेज लेना है, उसमें क्यों, क्योंकि उसमें क्या दिखाना है हमें, उसमें हमें दिखाना है कि एक तो सॉरी एक हमारा हो गया नेम, क्वांटिटी, अब क्या दिखाना था, टोटल प्राइस हमारा, राइट। तो हमने एक प्राइस मैसेज और ले लिया, उसमें क्या ऐड कर दिया, एक स्ट्रिंग लिख लेंगे यहाँ पे, क्या था, टोटल, और यहाँ पे क्या लिख गया, डॉलर, और ये यहाँ पे आ गया। और इसमें क्या प्लस कर देंगे, हमारा क्या कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे, प्राइस, राइट। तो मैंने यहाँ पे प्राइस ले लिया और ये यहाँ पे फिक्स हो गया। अब इसके बाद एक और प्राइस ले लेंगे, प्राइस मैसेज, उसके बाद यहाँ पे इसे इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिया हमने, इस प्राइस मैसेज में भी एक प्राइस मैसेज है, तो इसे प्राइस मैसेज प्लस, ये कॉन्कैटिनेशन हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपका ये समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ी सी वीडियोस पीछे जाके कॉन्कैटिनेशन वाला एक बार पढ़ सकते हो, तो उससे रिटर्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने आपको कॉन्कैटिनेशन समझाया था। अब यहाँ पे अभी लेकिन एक एरर आ रही है, कौन सी थी, रिटर्न, क्यों, क्योंकि हमें रिटर्न क्या करनी है, प्राइस मैसेज। और यहाँ पे अब आप देख सकते हो जैसे मैंने एक प्राइस मैसेज रिटर्न करा, मेरी सारी एरर्स चली गई हैं जो यहाँ बता था। अब क्या होगा, यहाँ प्राइस मैसेज की जो एक वैल्यू है रिटर्न होके कहाँ जा रही है, यहाँ प्राइस में।
अब वो प्राइस कहाँ जा रहा है, यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर समरी में, और प्राइस मैसेज में जाके ये वाला जो प्राइस मैसेज की वैल्यू थी वो इस वाले प्राइस मैसेज में जाके स्टोर हो जा रही है कैसे, स्ट्रिंग। और एक इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा मेथड है ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें जो वैल्यू जा रही है वो किस टाइप की जा रही है, स्ट्रिंग टाइप की। तो यहाँ पे भी क्या लिखना है, हमें स्ट्रिंग ही लिखना है, राइट। तो हम इसे कैलकुलेट करके देख लेंगे कि क्या जा रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे इम्यूलेटर में रन कर दिया है, और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, क्या हमारा सही से रन हुआ है ऐप या नहीं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल सही से आ रहा है, हमारा नेम आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है, टोटल आ रहा है, थैंक यू आ रहा है, राइट। और एक चीज और, पहले ये चीज मेरी रह गई आपको समझानी कि यहाँ पे रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे जो भी आप वैल्यू रिटर्न करोगे, जैसे अगर मैंने 700 रिटर्न करी है और मैं इसे प्ले कर दूँ, मैं इम्यूलेटर में रन करूँ, तो रिटर्न की वैल्यू आप इससे भी समझ सकते हो, जब मैं अगर इम्यूलेटर रन करूंगा तो जो वैल्यू है वो क्या दिखाएगी, क्वांटिटी $700 दिखा रहा है यहाँ पे। तो जो भी कैलकुलेट प्राइस में कैलकुलेट होगा, जरूरी नहीं है अगर मैं इसे यूज नहीं करूँ, तो जो भी रिटर्न होता है वो किस में जाके सेव हो गई, मेथड में, और मेथड किस में गया, प्राइस में, और प्राइस कहाँ पे गया है, क्रिएट ऑर्डर समरी के प्राइस में, राइट। अब वो प्राइस कहाँ चला गया, यहाँ प्राइस में, क्रिएट ऑर्डर समरी का जो ये प्राइस है, क्योंकि एक बाकी सब तो स्ट्रिंग है, बस यही एक एंड क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसे रिडू कर देता हूँ, यहाँ पे हमने प्राइस लिख दिया है। एक बार और रन करके देख लेते हैं हम कि हमारा इनिशियल जो वैल्यू थी उसी पे ही हमारा ऐप रन हो रहा है या नहीं। तो ये हमारा रन हो गया, मैंने क्वांटिटी दे दी और ये रन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ज़ैनफरान टोटल क्वांटिटी 4 और टोटल थैंक यू।